हाय ओके गाइस, तो पहली बार अपने चैनल पे आज मैं हनी पाजी के ट्रैक पे रिएक्ट करने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि होमी दिल्ली वाला है साथ में। होमी दिल्ली वाला के ज़्यादा ट्रैक्स मुझे पसंद नहीं आते। पहला ट्रैक जो इन्होंने हनी पाजी के साथ किया था जिंगल बैल, उस ट्रैक का नाम था, वो ट्रैक बहुत ही ज़्यादा चार्टबस्टर रहा और मुझे भी काफ़ी पसंद आया था। लेकिन उसके बाद बहुत ही बेकार गाने आए। एक ट्रैक आया था, मूवी का गाना था वो, मुंबई सागा मूवी का, उसमें हनी पाजी ने बहुत ही अच्छा काम किया था, लेकिन होमी दिल्ली वाला के वर्स ने, होमी दिल्ली वाला के पार्ट ने सब कुछ ख़राब करके रख दिया था। और उसके बाद भी एक ट्रैक आया था लास्ट, बूम बूम, होमी दिल्ली वाला के साथ था, बहुत ही बेकार गाना था वो, हनी सिंह के लेवल का गाना नहीं था। हनी सिंह कितने लेजेंडरी ट्रैक दे चुके हैं हमें, आप सबको पता ही है हनी सिंह का एरा कितना ज़बरदस्त एरा था। ट्रैक की क्रेडिट्स के बारे में हम बात करते हैं और उसके बाद सीधा हम ट्रैक पे चलते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। ट्रैक का नाम है का खा गा, नाम बहुत ही डिफरेंट रखा गया है। देखूंगा मैं ट्रैक कमर्शियली होगा, कमर्शियली लिरिक्स होंगे तभी नाम ऐसा रखा गया है। सिंगर आप लोगों को पता ही है योयो हनी सिंह एंड होमी दिल्ली वाला, लिरिक्स रिटन बाय योयो हनी सिंह एंड होमी दिल्ली वाला। म्यूज़िक इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ हनी सिंह ने प्रोड्यूस नहीं किया है, होमी दिल्ली वाला ने पूरा म्यूज़िक प्रोड्यूस किया है। तो ये भी देखने वाली चीज़ होगी कि होमी दिल्ली वाला ने प्रोड्यूस किया है तो कैसा म्यूज़िक होगा, वरना इन ट्रैक्स का म्यूज़िक हनी पाजी जिन ट्रैक्स में होते हैं वो म्यूज़िक प्रोड्यूस हनी पाजी खुद ही करते हैं। एक्साइटेड हूँ मैं इस ट्रैक का म्यूज़िक सुनने के लिए कि होमी दिल्ली वाला ने म्यूज़िक पर क्या काम किया है। और वीडियो डायरेक्ट की है मिहिर गुलाटी ने, हनी पाजी के साथ यही काम करते हैं और काफ़ी अच्छा काम करते हैं। पिछली वीडियो हमने देखी थी गुरु रंधावा के साथ जो ट्रैक आया था, उसकी वीडियो भी काफ़ी सही थी। ओके गाइस, तो ये थे इस ट्रैक की क्रेडिट्स, मैं करूँगा इस ट्रैक पर रिएक्ट दूंगा आप लोगों को अपने रिव्यूज़। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, एंड पर मैं ट्रैक को रेट करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार्स इन डिफरेंट कैटेगरीज। ऑडियो को अलग आउट ऑफ 5 रेट करूंगा और वीडियो को अलग आउट ऑफ 5 रेट करूंगा अपने ओपिनियन से, और हमारे ओपिनियन डिफरेंट हो सकते हैं, ये पूरी नेचुरल चीज़ है और जायज़ चीज़ है। आपका सोचना कुछ और हो सकता है, मेरा सोचना कुछ और हो सकता है, क्योंकि हम डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, तो वो बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। अपने हिसाब से मैं रेट करूंगा, पहली बार में सुन के 10-15 बार नहीं सुनूंगा, पहली बार में सुन के जैसा मुझे ट्रैक लगेगा उस हिसाब से रेट करूंगा। और हनी पाजी की ऑडियंस, आज मैं पहली बार रिएक्ट कर रहा हूँ हनी पाजी पे, तो पहली बार आए हैं इस चैनल पे तो अपना सपोर्ट पूरा दिखाएं, दिखा दें कि हनी पाजी के साथ कितना प्यार करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कॉमेंट सेक्शन में फाड़ के रख दें कॉमेंट्स, कॉमेंट बहुत ज़्यादा करें। करते हैं रिएक्शन शुरू इस ट्रैक पर। नाइस शॉट, वीडियो काफी सही लग रही है। जब मैं एट में था तो 10th की लड़कियां मुझसे पटती थी, फिर जब मैं 10th में था तो 12th के लड़कों की मुझसे फटती थी। मेरा नाम ले दो स्कूल में कोई कुछ नहीं कहता, तालाब गंदा करने वाली गंदी मछली मैं था। जीलो 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 जिंदगी है एक योलो, आज मैंने स्कूल खोला, आओ मेरे साथ बोलो। का खा गा गा मदरफका, 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 का खा गा गा। मतलब ये होमी दिल्ली वाला ने स्टार्ट किया है गाना, मतलब ये आइडिया इन्हीं का होगा, हनी सिंह ने अपना पार्ट लिखा होगा, मैं समझ गया ये इसी बंदे ने स्टार्ट किया है लिखना और फिर अपना आइडिया, फिर अपने लिरिक्स हनी पाजी को सुनाए होंगे इन्होंने, और मैं समझ गया मतलब क्या सोच के लिखा होगा इन्होंने अपना ये पार्ट, क्या सोच के लिखा होगा। मतलब हनी पाजी अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से होमी दिल्ली वाला के साथ रह के। उनकी फ़ैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है और कितनी क्रेज़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, और ऐसे ट्रैक्स, अभी उनका पार्ट आया भी नहीं है लेकिन ट्रैक काफ़ी ख़राब है, काफ़ी ख़राब ट्रैक है, बहुत ही बकवास लिरिक्स हैं होमी दिल्ली वाला के, बहुत ही बकवास लिरिक्स हैं। उनका वर्स भले ही अच्छा हो लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, उससे उनके फ़ैन्स खुश होंगे। ट्रैक तो फिर भी ओवरऑल ट्रैक की बात होगी तो होमी दिल्ली वाला उसमें इन्वॉल्व तो होंगे ही। आप देखो ट्रैक का हुक क्या लिखा गया है, का खा ग मदरफकर, कितना बेकार लिखा गया है। अगर करण औजला को 10 बाल्टियां शराब पिला दें ना और नशे में उनके हाथ में पेन पकड़ा दें आप, तो नशे में वो इससे अच्छा गाना लिख देंगे फॉर श्योर, जैसा गाना होमी दिल्ली वाला ने लिखा है। तो मैं हनी सिंह का फ़ैन हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि आगे देखते हैं हम उनका पार्ट में, फिर भी दिल से सुनूंगा, लेकिन इस बंदे ने पहले ही, मुझे हंसी आ रही है, हुक देखो क्या लिखा है इस बंदे ने,
जब मैं 10th में था मुझसे वो वाली लड़कियां पढ़ती थी किसी और बड़ी क्लास की, जब मैं 12th में था बड़े बच्चों की बड़े लड़कों की मुझसे फटती थी, ऐसा कुछ लिखा है। क्या कैसे लिखता है ये बंदा यार, कैसे लिख लेता है। टोनी कक्कर के लिए रिस्पेक्ट दिल में और ज़्यादा बढ़ रही है मेरी, बस ज़्यादा नहीं कह सकता मैं। मुझे हनी पाजी के लिए बुरा लग रहा है, मैं उनका फ़ैन हूँ, जितना बुरा आप लोगों को लग रहा होगा मुझे उससे 10 गुना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि इतने लेजेंडरी आर्टिस्ट कैसे कैसे गाने दे चुके हैं हमें उस दौर में, और आज आगे देखते हैं। वीडियो रंग मेरा देखो काला शाक काला, डर्टी गानों की खोली पाठशाला, लड़कियां ब्राउन दुबई से है याला, अच्छी बच्ची बन चल कर स्वाला लाला, अच्छे बच्चे मन के सच्चे, मोड़े पंखे तोड़े छज्जे, जितनी तुम भरते हो फीस उतने के मेरे वर्साची के कच्चे, हाई स्कूल हुआ पूरा हाई हाई, I am the reason why twer kare ladkiyan thumak thumak ke, hai huku hai huku hai, hai huku hai huku hai, hai hai huku hai huku hai, hai twer kare ladkiyan thumak thumak ke, hai huku hai huku hai, ka kha ga ga motherfucker, ka kha ga ga motherfucker। तो जैसी ट्रैक की वाइब है, आप बीट देखो काफ़ी ना ऐसे सीरियस काइंड ऑफ बीट नहीं बनाई है, वैसा म्यूज़िक नहीं, काफ़ी चिल म्यूज़िक ठीक ठाक बनाया है, जिस वाइब का ये गाना बनाना चाहते थे। म्यूज़िक में होमी दिल्ली वाला ने अच्छा काम किया है, तो काफ़ी चिल वाइब का बनाया। और हनी सिंह का रैप भी आप देखोगे, हनी सिंह की वॉइस सुन के वो ओल्ड हनी सिंह वाली फील तो आती है, लेकिन उनका वर्स भी कुछ उतना ज़्यादा ना लिरिकली उतना स्ट्रांग मुझे नहीं लगा। पता नहीं क्यों हनी पाजी आजकल ना इन ट्रैक्स में कॉमेडी काइंड ऑफ कॉमेडी लिख रहे हैं, वैसे उनकी वॉइस सुन के तो ओल्ड हनी सिंह वाली फील आती है, लेकिन लिरिकली बहुत ही ज़्यादा वीक लग रहा है ये वाला गाना, बहुत ही ज़्यादा वीक। आगे देखते हैं। मेरे चर्चे चलते फिरते छपते दिखते हैं अखबारों में, मेरे नाम की चिपकी चिंगम्मा जब स्कूल की उन्हीं दीवारों पे, गलत कामों में मैंने कभी भी ना देरी की, बेच दी इशू करा के बुक्स लाइब्रेरी की, फालतू की लाइनों में कभी भी ना खड़ा हुआ, यही सब करते हुए हूँ मैं बड़ा हुआ, मेरा नाम ले दो स्कूल में कोई कुछ नहीं कहता, तालाब गंदा करने वाली गंदी मछली मैं था, जीरो 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 स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है, आज मैंने स्क्रीन प्रेजेंस काफी अच्छी है, तो बोलना पड़ेगा। कैसे लिख रहा है, दिमाग में क्या आया होगा, वीडियो चेक करो, वीडियो सही है। होमी का ही तो काम है। हनी पाजी ने बहुत कोशिश की इस ट्रैक को बचाने की, लेकिन होमी दिल्ली वाला जहां पर हो विनाश तो वहां पर होगा, विनाशकारी शक्तियां वहीं पर मिलेंगी आप लोगों को। ओके गाइस, तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस के साथ मैं बैठा था आज पहली बार अपने चैनल पे हनी सिंह का ट्रैक रिएक्ट करने के लिए। देखो मैं हनी पाजी का बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं एकदम ऐसे ना बेकार में, बिल्कुल मैं बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ तो मैं ट्रैक की बहुत ही ज़्यादा तारीफ कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे जैसा ट्रैक लगा, अगर मुझे अच्छा लगा होता, लोगों को अच्छा नहीं लगा होता, मैं फिर भी कहता मुझे अच्छा लगा, लेकिन ट्रैक में कुछ भी नहीं है, मतलब लिरिक्स के नाम पर बिल्कुल कुछ भी नहीं है ट्रैक में। कब तक हम अपने आप को समझाते रहेंगे कि कमर्शियल ट्रैक है ऐसे ही लिरिक्स होते हैं, बिल्कुल भी नहीं। आप बाकी कमर्शियल ट्रैक्स देख लो, बहुत ही अच्छे लिरिक्स होते हैं, कम से कम आप सुनोगे आपके दिमाग में तो बैठेंगे, जहन में तो बैठेंगे, कैची तो होंगे, इतने बेकार लिरिक्स ना सिर है ना पैर है और ना ही राइम हो रहे हैं लिरिक्स,
बिल्कुल भी नहीं। हनी पाजी ने बहुत ही कोशिश की, मतलब लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, बहुत कोशिश की उन्होंने अपनी वॉइस से वही फ्लेवर वही फिर से मिक्सचर बनाने का, लेकिन मेरे हिसाब से टोटली फेल। मतलब ये ट्रैक होमी दिल्ली वाला अपने पहले वर्स में ही ले डूबे थे, फिर कुछ नहीं हो सकता था। हाँ, हनी पाजी का वर्स सुन के तो काफ़ी मज़ा आया मुझे, लेकिन ओवरऑल ट्रैक की बात करूँ तो बहुत ही बेकार ट्रैक। वोकल्स के बारे में बात करूं तो होमी दिल्ली वाला के वोकल्स, मुझे जब मैंने पहला ट्रैक सुना था जिंगल बैल, मुझे काफ़ी सही लगे थे इनके वोकल्स, और मैं कह रहा था कि एक नई वैरायटी, एक नई वेरिएशन, एक नई वॉइस हमें सुनने को मिलेगी आज के बाद। लेकिन उसके बाद जो जलवा दिखाया इन्होंने, अब सपने में भी ऐसी आवाज़ में सुन लूँ तो मैं रो दूंगा मेरे ख्याल से। और हनी पाजी के वोकल्स का आपको पता है, उनके वोकल्स बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हैं। वो ओल्ड वाइब तो एक सेकंड के लिए मुझे फील हुई, लेकिन क्या कर सकते हैं, हनी पाजी का पार्ट इतना है और गाना इतना बड़ा है। होमी दिल्ली वाला तो पहले लाइन में ही ले चुके थे सब कुछ, उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया कि हाँ ये गाना मैं ही बर्बाद करूँगा, उन्होंने वो सारा क्रेडिट अपने नाम पे ले लिया। और म्यूज़िक के बारे में बात करूँ, क्योंकि लिरिक्स की बात करने के लिए मुझ में अब हिम्मत नहीं बची हुई है, लिरिक्स तो लेजेंडरी गुलजार साहब ही अब होमी दिल्ली वाला के साथ कॉम्पिटिशन कर सकते हैं, और किसी के बस की बात बिल्कुल भी नहीं है। और म्यूज़िक के बारे में बात करूँ तो म्यूज़िक जिस वाइब का गाना बनाना चाहते थे, काफ़ी चिल वाइब का गाना बनाना चाहते थे होमी दिल्ली वाला, उस हिसाब से म्यूज़िक काफ़ी सही था। जो चीज़ अच्छी थी वो अच्छी है, वाइब काफ़ी चिल बनाना चाहते थे और काफ़ी हार्ड बीट बनाई थी। ओके गाइस, तो ओवरऑल ट्रैक की रेटिंग के बारे में बात करूं तो ट्रैक को मैं दूंगा 1 star out of 5। 1 star मैं दूंगा हनी पाजी के लिए, और इस ट्रैक में कोई भी चीज़ अच्छी नहीं थी। ऑडियो की बात करूं तो हनी पाजी वहां पर थे, वरना मैं होमी दिल्ली वाला का ट्रैक आज के बाद कभी ना सुनूं। और मैं हनी पाजी को भी यही कहूंगा, अपने फैंस की बात सुनिए, आप हनी पाजी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपके फैंस आपकी बहुत ही ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। होमी दिल्ली वाला को छोड़ो, अपनी सोलो ट्रैक्स लाओ या किसी और आर्टिस्ट के साथ कोलैब करो। होमी दिल्ली वाला, एक बात और, होमी दिल्ली वाला को एक चीज़ समझनी चाहिए कि वो किस लेवल पर काम कर रहे हैं, किस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। वो जिस आर्टिस्ट के साथ काम कर रहे हैं उसे पूरा हिंदुस्तान सुनता है, पूरी दुनिया सुनती है उन्हें, इंडिया के बाहर भी उन्हें सुनते हैं, और कुछ भी लिखने से पहले, कुछ भी करने से पहले उन्हें 1000 बार सोचना चाहिए। ये तो थी नेगेटिव बातें इस ट्रैक के बारे में, अब वीडियो पर हम आते हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वीडियो में। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बनाई है, प्रोडक्शन लेवल काफ़ी सही है। हनी पाजी के अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो आई है, तो काफ़ी अच्छा बजट लगता है ट्रैक का, काफ़ी पैसा खर्च किया गया है। शॉट्स काफ़ी सही थे, और कुछ शॉट्स मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे, कलर काफ़ी पंची थे वीडियो में, और हर एक फ्रेम एक नई फ्रेशनेस, मतलब वीडियो काफ़ी सही लगी मुझे। और मिहिर गुलाटी की जो विजन है, जो ये वीडियो बनाते हैं, मुझे इनका काफ़ी डिफरेंट लगता है, और अच्छी वीडियो ये डायरेक्ट करते हैं, अच्छे डायरेक्टर हैं, और ये वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा सही थी। तो वीडियो को मैं दूंगा 5 stars out of 5। जैसी वीडियो ये ट्रैक डिमांड करता था उससे तो 1000 गुना अच्छी वीडियो है ये। जैसा ये ट्रैक है, मतलब वीडियो ज़ाया कर दी, पैसे ज़ाया कर दिए। मेरे हिसाब से ये गाना, ऐसी वीडियो तो बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता था। वीडियो बहुत ही हाई लेवल की है, और ये गाना होमी दिल्ली वाला को ये गाना बनाना चाहिए था, लेकिन फिर अपने मोबाइल में कहीं छुपा के रख देना चाहिए था और खुद ही लूप पे सुनना चाहिए था। इस ट्रैक की वीडियो बिल्कुल भी नहीं बननी चाहिए थी, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एवरीथिंग। हनी पाजी का टाइम भी वेस्ट किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा कीमती है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलती किसी और वीडियो में। मैंने सोचा था आज 2-3 वीडियो बना दूंगा, लेकिन पहली वीडियो ही मैंने इस ट्रैक पे बनाने का सोचा, तो अब मुझ में हिम्मत नहीं है कोई और ट्रैक सुनूं। इस विनाशकारी गाने के बाद मैं कोई और ट्रैक सुनूं, अब हिम्मत नहीं बची मुझ में। तो बहुत ही ऑनेस्ट रिएक्शन था, बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू था मेरा, आप लोगों को पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय।